अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू वीडियो तो जी आपको पता है जब भी मैं चेस वैल्यू जाती हूँ या मैं कहीं भी शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं उसका हॉल जो है वो लाजमी शेयर करती हूँ इससे ये होता है कि जो लोग ऑनलाइन चीज़ें लेना चाहें वो सुकून से जो है वो ले सकते हैं और आजकल सर्दियाँ हैं और दूसरी बात यह कि हर जगह पर सेल लगी होती है तो मेरा ये होता है कि चलो मैं हॉल शेयर कर दूंगी इससे ये होगा कि आप लोगों को आसानी हो जाएगी आप लोग ना ऑनलाइन जो है वो चीज़ें ले सकते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये मैंने रिमिंगटन का जो प्रोफेशनल स्ट्रेटनर लिया ये ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं है लिया मैंने चेज़ वैल्यू से चेज़ वैल्यू भी ओरिजिनल भी था लेकिन वो तकरीबन बारह हज़ार के करीब का था तो ये मैं मैंने कहा नहीं हसीब मैंने दो या तीन हज़ार वाला कुछ लेना है तो ये मैं ले तो आई हूँ लेकिन इसके जो चिमटे कहले वो इतने बड़े हैं ना कि उसमें ना पूरा बच्चा फ़्राई हो जाए तो फिर मैंने कहा नहीं मैं ना ये रख लेती हूँ हसीब हम ना ये वापस करवा देंगे तो सबसे पहले स्ट्रेटनर लिया क्योंकि जो मेरा स्ट्रेटनर था वो आप यकीन करें आठ से नौ साल पुराना है अब उस बेचारे में कोई जान नहीं रह आएगा लेकिन मैं उसे यूज़ कर ही रही थी मुसलसल कर रही थी लेकिन जो है वो मैंने ये मैंने वापस करवाना है चलें जब मैं आप लोगों को बाकी जो चीज़ें हैं ना वो सारी जो है दिखा देती हूँ तो उसके बाद जी मैंने ये ली हैं बेड शीट्स अच्छा ये ना मैंने कॉटन वाली ली नहीं ली दफ़ा मैंने ना दूसरी जो मोटे कपड़े वाली होती है ना सर्दियों वाली ये मैंने वो ली है एक सिंगल बेड की ली है सेम और एक डबल बेड की ली है सेम और मेरा कमरे में इंशाल्लाह कुछ दिनों तक मैं ना कमरे की रेनोवेशन करूँगी तो इंशाल्लाह तब जब वो बन के आ जाएंगी ना चीज़ें तब मैं इंशाल्लाह इनशाला बिछाऊँगी तब आप लोगों के रूम टूर दूँगी अच्छा सा अच्छा एक जो थी वो बारह सौ पचास की थी डबल बेड की और सिंगल बेड की मेरे ख्याल में एक हज़ार पचास की थी इस तरह थी ज़्यादा फर्क कोई नहीं है तो वही ना बंदा डबल बेड की ले ले और उसको फिर दरमियान में से कट कर ले ये ही हो सकता है लेकिन खैर मैंने एक मीना की कॉट के लिए ली है और एक हमने अपने बेड के लिए ली है साथ में मैंने जी ये जॉनसन का टॉप टू टो जो होता है ये लिया है ये बहुत अच्छा होता है बेबी के लिए बहुत अच्छा रहता है अच्छा ये मैं इसके फेस पर बच्चों के फेस पर यह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती अच्छा मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आप अपने बच्चों की स्किन केयर जो रूटीन है वो शेयर करें तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइएगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं उससे बच्चों की स्किन बहुत अच्छी होती है और वो फिर जवानी तक अच्छी रहती है जैसे अलहद अम्मी वगैरह ने हम पे वो तरीके किए और हम, हमें भी अब तक अच्छी है और इवन कि हमें अलहमद सर्दियों में बिना लोशन लगाने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती ना वो जैसे स्किन हमारी फटती है ना वो भी नहीं फटती अल्लाह का शुक्र है और ये आपको पता है मैं चेज़ वैल्यू जाऊँ और रिफ़िलर ना लाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता और साथ में जी रहा कि मैंने लिए ही हैं ये पम्प्स क्योंकि हम लोगों ने जाना था आप लोगों ने ये पम्प्स इसके देख लिए होंगे मैंने जो मेरी सिस्टेंट लॉ है जोया उसकी नंद के इनका पी रहा को ये मैं पहनाने थे हालाँकि मैंने बिल्कुल भी रहता नहीं था इरा के लिए कोई भी नई जूती लेने का इस साल तो लेके तो इस सीजन में क्योंकि कहीं आना जाना ही नहीं था लेकिन फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं तो ये वाली मैंने ली क्योंकि फंक्शन अचानक आ गया तो मैंने कहा चलो ठीक है तो ये मैंने ली है सतारह सौ के इनके पास और डिज़ाइन थे ही नहीं साथ में जी मिन के लिए मैंने ये एक पिंक कलर की सॉक्स लिए मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं बच्चों की इस तरह की ना सॉक्स बहुत प्यारी लगती है ये हो गया साथ में इहा के लिए मैंने ली हैं ये पिन्स अच्छा चेज वैल्यू पे ना पिंस की वैरायटी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है पिने तो शदीद मिलती हैं पिने अगर आपने पिन चूज़ करनी है ना तो आप अपने बच्चों को ना थोड़ी देर के लिए ना गायब कर दें कहीं और आप अकेले हों और सुकून से देख के लें और ये जी हेड बैंड है ये तो मैंने घर आके देखा मैंने कहा सी भी किसने लिया कहते हैं इरा ने उठाया था तो फिर मैंने ले लिया उसके बाद इरा की मैंने जो है ये लेगी ली है ब्लैक कलर की और बहुत अच्छा स्टफ़ है इनका अगर आप लोग लोकल मार्केट से ले लें ले ले, तो बिल्कुल ना लें चेस से लें बहुत दो तीन सौ की थी मेरे ख्याल में लेकिन बहुत अच्छा स्टफ़ है बहुत मोटा स्टफ़ साथ में मैंने लिए है अपने लिए पॉन्ट्स का फेस वॉश ये सारी चीज़ें जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोग ना ऑनलाइन भी सारी चीज़ें ले सके जो जिनके शहर में चेज़ वैल्यू नहीं है तो जॉनसन की मैंने ये इस दवा क्रीम ली है क्योंकि मैं बच्चों के फेस पर तो क्रीम नहीं लगाती बिल्कुल भी नहीं लगाती मैं ना बॉडी पर लगाती होती हूँ नहा नहलाने के बाद साथ में मैंने एक ये दो जो हैं ऑयल लिए हैं एक ऑलिव ऑयल लिया है एक आलमंड हेयर ऑयल लिया इनको मिला के भी लगाया जा सकता है वैसे सिंगल भी लगाया जा सकता है ये हो गया साथ में जी मैंने अपने लिए हैं लिए हैं दो कंडीशनर वैसे मैं कंडीशनर एक ही लेती होती हूँ लेकिन वो बड़े वाला होता है ना तो वो चल जाता होता है ज़्यादा अरसा लेकिन उनके पास बड़े वाला अवेलेबल नहीं था मैंने कहा चलो जो अवेलेबल है ना वो ले लेती हूँ छोटे थे तो असीब ने कैसे कर तो करो दो ले लो क्योंकि बार बार जो है वो चक्कर नहीं लगता होता है मैंने कहा चलें ठीक है ये हो गया चले जी अभी मैं आप लोगों को और भी दिखा देती हूँ और क्या क्या लिया है और हसीब ने अपने लिए हैं ये वॉच अच्छा आप ना लोग ना चेज़ वैल्यू या चेज़अप से बहुत कुछ जो है वो गिफ्ट करने के लिए भी ले सकते हैं ये तकरीबन तीन हज़ार की और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है क्योंकि हसीब अब यूज़ कर चुके हैं तो इसकी क्वालिटी भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और जो मैंने चीज़ ली है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो जी मैंने इरा की ये वाली जो सॉक्स होती है ना कारपेट सॉक्स कह लें ये मैंने ली हैं और मेरे पास पहले भी थे और ये वेलवेट वाली ही थी मेरे पास पिछले साल दो मैंने लिए थे और मैं इस साल कह रही थी कि अल्लाह करें हों हो होम फिर एक दफ़ा गई नहीं थी दूसरी दफ़ा गई तो थे ये तीन फिर दफ़ा टू फिफ्टी के थे ये इस दफ़ा तीन सौ के हुए थे और ये मेरे बिल्कुल भी ख़राब नहीं ना हुए ना ढीले हुए हैं कुछ भी नहीं हुए तो ये मैं एक लाई हूँ और उसके अलावा जी ये मैंने सेट लिया है पिन्स हैं ये मेरे पास पहले जो है वो बो की शक्ल में है उनके नीचे से मतलब इसी तरह की सेम है और साथ में मैंने ये टॉवल का सेट लिया है बहुत अच्छा रह जाता है क्लीनिंग के लिए भी हो गया और साथ में जी हसीब ने अपने लिए ली है ये एक बेल्ट और ये मैंने पिंस ली हैं अच्छा पिंस मैं फिर वही बात करूँगी कि पिंस बहुत अच्छी वैरायटी है बहुत अच्छी वैरायटी है बंदा चूज़ देख देख के ले और ये भी मैंने लिया अच्छा मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इराह के पास इनमें से किसी कलर का सूट नहीं है मुझे ब्लैक कलर की लेनी चाहिए थी साथ में जी हसीब को ये इरा के लिए स्वेट अच्छी लगी थी तो हसीब ने आते आते ये भी ले लिया अच्छा ये वाली स्वेट शर्ट महँगी है मैं ऐसे कहूँ तकरीबन हज़ार रुपये की थी और ना लेकिन मोटी बहुत ज़्यादा है इसके नीचे आप कुछ भी नहीं पहनाते ना फिर भी चलेगा साथ में ये हसीब को एक इरा के लिए ट्राउज़र पसंद आ गए खाली ट्राउज़र लटका हुआ था तो हसीब ने कहा ये लेते हैं ये बहुत प्यारा लगेगा इरा पे मैंने कहा चलें ठीक है उसके बाद जो है ना मैं जब चेज़ वैल्यू जाती हूँ ना मेरी कोशिश ये होती है कि बंदा ना अफोर्डेबल रेंज में कपड़े ले ठीक है क्योंकि बच्चों ने घर पहनने होते हैं और बाहर वाले भी ले तो ना अफोर्डेबल रेंज में हो और ये जी शर्ट है और ये शर्ट सिर्फ खाली हज़ार की थी फिर मुझे घर आकर मैंने देखी मैंने जी इतना दुख हुआ मैंने कहा सिर्फ इतने महंगे कपड़े ना ले लिया करें तो कहते हैं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता और ये जी मैंने अपने लिए लिए हैं कारपेट स्लीपर जो होते हैं सॉक्स कह लें ये तीन ये साढ़े के बड़ों का साइज साढ़े तीन सौ साथ में मैंने ये पिंस ली हैं ये बहुत प्यारी लगी थी मुझे और उसके बाद अपने लिए मैंने पोनियाँ ली हैं अच्छा कुछ मतलब इस तरह रैंडम सी चीज़ें ली हैं लेकिन अगर आपने कैचर लेने हैं ना आपने चेज़ वैल्यू से लेने हैं चेज़ चेज़अप से ले लें चेज़ वैल्यू से ले लें बहुत अच्छे होते हैं टूटते नहीं हैं साथ में इरा के लिए मैंने पैंट ली है क्योंकि हमने एक और भी शादी का फंक्शन अटेंड करना है तो मेरा था कि उसके लिए ना इरा के पास ब्लैक पैंट नहीं है तो ये ली थी साथ में मैंने अपने लिए ये लेगी ली है ये तकरीबन आठ सौ की है सात सौ या आठ सौ की लगी है लेकिन बहुत अच्छा स्टफ है इसमें सबसे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा लार्ज भी साइज़ मिलता है लेकिन लार्ज ही काफ़ी हो जाता है मीडियम ही इवन के काफ़ी हो जाता है और साथ में अभी मैं भी आपको दिखाती हूँ ये मैंने कपड़े लिए हैं ये मैंने लिया है अजका का जो मेरी बहन की बेटी है उसका ठीक है और सेम ही ऐसा मैंने लिया है मिनहा का और सेम ही ऐसा मैंने लिया है जी उसका इराहा अब हुआ ये कि ना इराहा का बड़े सेक्शन में लटका हुआ था अब मैं वन टू टू ईयर वाला साइज़ मंगवा रही थी तो वो अजका को और मीना को बहुत बड़ा होना तो मैंने कहा ना भाई नहीं लेते मैंने छोड़ दिया इरहा को भी लेकिन जब मैं इन्फेंट सेक्शन में गई तो वहाँ ये लटका हुआ तो फिर मैं भागी मैंने वहाँ से ये लिया फिर बड़े सेक्शन से इराह का ये लिया इरा की बस ये है कि ना क्या इ कोटीना है साथ ही अटैच लेकिन ये इसका डिज़ाइन बना हुआ है तो ये जो है मैंने लिए हैं और साथ में मैंने ये आपको दिखाया था कि मैं भाई की बेटी का भी लाई थी साथ में मिना का भी लाई थी और साथ में जो है असका का भी लाई थी तो इस दफ़ा मुझे मिला तो मैं इरा का भी सेम ले आई हूँ लेकिन जो मिनहा है उसको फ़्रॉक बिल्कुल भी पूरा नहीं आया मैंने एक दफ़ा पहनाया माशाला उसको बिल्कुल भी अड़ा भी नहीं क्योंकि छः से नौ महीने वाला था और माशाला वो बड़ी हो गई है तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग लाए हैं चीज़ वैल्यू से शॉपिंग हॉल पसंद आए तो अभी सब बताइएगा और ये सब चीज़ आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़